दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी वीडियो गुरु में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। सन 2021 की जनगणना से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। NRC और नागरिकता संशोधन कानून पर बहस के बीच NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर भी लोगों के तमाम सवाल हैं। तो आइए जानते हैं क्या है NPR और क्या होंगे इसके मकसद। सबसे पहले जानते हैं क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR भारत में रहने वाले स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के प्रावधानों के तहत यह रजिस्टर तैयार होता है। क्या है इस स्कीम के उद्देश्य? देश के हर निवासी की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के आधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है। सरकार अपनी योजनाओं को तैयार करने, धोखाधड़ी को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। किन किन प्रावधानों के तहत तैयार होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? नागरिकता कानून 1955 को 2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत NPR के प्रावधान जोड़े गए। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14A में यह प्रावधान तय किए गए हैं कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। सरकार देश के हर नागरिक का रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित की जा सकती है। क्या NPR के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? नागरिकता कानून के में 2004 में हुए संशोधन के मुताबिक सेक्शन 14 के तहत किसी भी नागरिक के लिए NPR में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है और NPR इस दिशा में पहला कदम है। NPR में कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान NPR तैयार करने में जुटे कर्मी घर घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के तौर पर तैयार किया जाएगा। फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट जैसी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया NPR तय करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों की देखरेख में होगी। NPR में कौन सी जानकारियाँ दर्ज होगी? NPR रजिस्टर में ये जानकारियाँ होगी: व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम, लिंग, जन्मतिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, व्यवसाय और बायोमेट्रिक डिटेल्स को इसमें शामिल किया जाएगा। 5 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। क्या NRI भी होंगे NPR का हिस्सा? NRI भारत के आम नागरिक नहीं माने जाते हैं और उनके बाहर रहने के चलते उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि वह भारत आते हैं और यहाँ रहने लगते हैं तो भी उन्हें NPR में शामिल किया जा सकता है। जानबूझकर या गलती से गलत जानकारी देने पर क्या होगा? यदि NPR के तहत आप गलत सूचना देते हैं तो सिटीजनशिप रूल्स 2003 के तहत आपको जुर्माना अदा करना होगा। क्या NPR के तहत पहचान पत्र जारी होता है? सरकार NPR के तहत आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह एक तरह का स्मार्ट कार्ड होगा जिसमें आधार का भी जिक्र होगा। NPR और आधार के बीच क्या संबंध है? NPR भारत में रहने वाले लोगों का एक आम रजिस्टर है जिसके तहत जुटाए गए डेटा को UIDAI को रीडुप्लीकेशन और आधार नंबर जारी करने के लिए भेजा जाएगा। इस रजिस्टर में 3 मुख्य चीज़ें, डेमोग्राफिक डेटा, बायोमेट्रिक डेटा और आधार नंबर शामिल होंगे।